भोपाल रेल मंडल के DRM सौरभ बंदोपाध्याय आज हरदा पहुंचे। हरदा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर चल रहे कार्य का निरीक्षण करने के बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि इटारसी खंडवा सेक्शन का हरदा महत्वपूर्ण स्टेशन है। इस स्टेशन के उन्नयन का कार्य किया जाएगा जिसमें प्लेटफार्म क्रमांक 1 की लंबाई बढ़ाई जाएगी, यात्रियों के बैठने की जगह का विस्तार किया जाएगा, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा तथा लिफ्ट भी लगाई जाएगी जिससे दिव्यांग यात्रियों को सुविधा मिलेगी। लंबे समय से की जा रही मांग को पूरी करते हुए करीब 6 करोड़ की लागत से गुड्स शेड को शिफ्ट करने का कार्य किया जाएगा जिससे नगरवासियों को धूल और प्रदूषण से निजात मिल सकेगी। वहीं रेलवे फाटक बंद होने से शहर में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। अब जल्द ही PWD और जिला प्रशासन के सहयोग से ROB का निर्माण कर ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिल सकेगा। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। एक विशेष निरीक्षण है हमारे इटारसी से खंडवा सेक्शन को लेकर। भोपाल मंडल का बड़ा अहम सेक्शन है जो कि भुसावल को जोड़ता है, आगे बम्बई का रूट भी है और भोपाल मंडल जो है इस रूट पे विस्तृत डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहा है। विशेषकर हरदा क्षेत्र में कई स्टेशनों के उन्नयन का प्रस्ताव है, हम लोगों ने कई कार्य स्वीकृत किए हैं। हरदा के विषय में अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें हम लोग ने बड़े एक्टिवली सर्कुलेटिंग एरिया के इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य स्वीकृत कर दिया है जिससे सर्कुलेटिंग एरिया का उन्नयन होगा। डामरीकरण, चौरीकरण, ब्यूटिफिकेशन, बैठने की जगह बढ़ाने का कार्य, ये सब कुछ होगा उसमें। साथ ही जो प्लेटफॉर्म 1 है उसका जो सरफेस है उसका इम्प्रूवमेंट होगा और इसमें नया FOB का कार्य भी स्वीकृत है जिसकी निविदा शीघ्र ही अवार्ड होकर उस पर कार्य चालू हो जाएगा। उससे यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने की सुविधा मिलेगी और उसमें लिफ्ट और रैंप की सुविधा होगी जिससे हमारे दिव्यांगजन भी काफ़ी लाभान्वित होंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो दो अहम बात हैं, एक तो यहाँ की जो लोकल डिमांड थी बड़े लंबे समय से कि वो जो गुड साइड है जो शहर के बीच में उससे धूल मिट्टी होती है, वातावरण दूषित होता है, तो हम लोगों ने तकरीबन 6 करोड़ की लागत से उसको शिफ्ट करने का कार्य स्वीकृत कर दिया है। वो अभी चरखेड़ा तरफ दूसरी एंड में चला जाएगा, उससे वो जगह पूरी फ्री हो जाएगी और एक नंबर प्लेटफॉर्म के चौड़ीकरण के साथ विस्तृतकरण भी हो जाएगा। मतलब उसको इस तरीके से समझे कि जो आज हमको प्लेटफॉर्म पार करके इटारसी जाने के लिए गाड़ियां पकड़नी पड़ती हैं उसकी ज़रूरत नहीं होगी, सब महत्वपूर्ण गाड़ियां एक नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकने लगेंगी। मतलब हरदा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो ये तो अहम बात है जो स्टेशन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। दूसरा एक बहुत यहाँ की पुरानी समस्या रही है कि जो अपना फाटक नंबर 204 हम रेलवे के लिए बोलते हैं, मतलब जो हमारे खिड़किया की तरफ का फाटक है वो नेशनल हाईवे में है, उसकी तरफ क्या बोलते हैं कि भीड़ बहुत होती, जाम लगा रहता है। तो हमारी अभी कलेक्टर साहब से भी इस विषय में चर्चा हो रही थी। हम लोगों ने इसकी अल्टरनेटिव रूट, मतलब कि कहाँ से वैकल्पिक रूट में ROB बन सकता है, रोड ओवर ब्रिज, तो हम लोगों ने इसका जॉइंट सर्वे करा के इसकी NOC रेलवे की तरफ से हमने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को दे दी है। हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन कलेक्टर साहब से उसी के बारे में चर्चा हो रही थी और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है कि ये PWD डिपार्टमेंट से आगे लेके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे जिससे समस्या का परमानेंट निजात हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हरदा पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए हम लोग कर रहे हैं। सर, जो FOB बनेगा क्या वो प्लेटफॉर्म तक सीमित रहेगा कि उधर पब्लिक के उस पार आने जाने के लिए? पहले प्लेटफॉर्म तो जोड़ लें। देखिए FOB बन गया, एक बार वो पुल बन गया तो उसको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।